जिला कपूरथला दी पुलिस वालों नशा तस्करां ते माड़े अंसरां खिलाफ चलाई गई मुहिम तहत थाना सिटी कपूरथला नूं उस समय वड्डी सफलता हासिल हुई जदों पुलिस पार्टी वालों दो नौजवानां नूं हेरोइन समेत काबू किया। जिक्रयोग है कि गुप्त सूचना के आधार ते पुलिस पार्टी वालों नाकाबंदी की गई सी, जिस दरमियान ये दोनों नौजवान मोटरसाइकिल उपर आ रहे सन। जदों इन्हां नूं रुकण दा इशारा किया गया तां इन्हां नौजवानां वालों रुकण की बजाय भज्जण की कोशिश की गई, परंतु पुलिस मुलाजमान वालों इन्हां दा पिछा करदिया इन्हां नूं काबू कर लिया गया। तलाशी लैण उपरंत इन्हां नौजवानां कोलों वड्डी मात्रा विच नशे दा समान बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट विच कीमत करीब 50 लाख रुपए दसी जा रही है। फड़े गए मुलजमान की पहचान बिक्रमजीत सिंह बिक्का और संजीव कुमार वजो हुई है। फड़े गए मुलजमान का 3 दिन का रिमांड हासिल करके पूछगिछ जारी है। जी सर, सर जी थाना सिटी वालों भारी मात्रा च ड्रग फड़ी गई, नशीला पदार्थ फड़े गया, की मामला सी सारा? ये जी साढ़े थाना सिटी कपूरथला ने दो मुलजम अरैसट किए जी, बिक्रमजीत सिंह बिक्का और संजीव कुमार। ये साढ़े लोकल इतने बतावगढ़ के किला महला के रहने वाले आ। इन्हों मोटरसाइकिल से इन्होंने अरैसट करके इन्हों को 100 ग्राम हेरोइन और 530 ग्राम नशीला पाउडर जोड़ा है वो बरामद किया है। और ये रिकवरी जी हुई है जी साढ़े ट्रीटमेंट प्लांट के लागे नाके के ट्रीटमेंट से हुई है जी। सब इंस्पैक्टर हरिंदर सिंह ने जिन्हों ने इन्हों काबू करके इन्होंने खिलाफ FIR नंबर 284 दर्ज की है। सर प्रोफाइल की है? इन्हों प्रोफाइल है बेसिकली ये माड़े बंदे है जी। इन्हों का एक जो बिक्रमजीत सिंह का वड्डा ब्रदर है जी, लोगा पेल भी अरैसटड आ। वो को 1 किलो हेरोइन जी पेल बरामद हुई सी, तो ये भी तार वो जुड़े हुए लगते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन देखा जाएगा कि शायद उन्हें ही जेल के इन्होंने कोई करके गलबात पत्र जी कंसाइनमेंट होंगे। सर अपने रिमांड पर भी लिया जी? हाँ जी, ये 3 दिन के रिमांड पर है जी, और फरदर देख रहे हैं जी कितों लैके आए हैं। दिल्ली तो लैके आए लगते हैं, उस हिसाब न जी आप दिल्ली जी जितों लैके आए हैं उत्थे भी आप खिलाफ भी कार्रवाई करा। यी हेरोइन की कीमत जी है जी करीब 50 लाख रुपए हैगी है जी इंटरनेशनल।